फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं। चेस्ट है 34 इंचेस, उसका 1/4 निकलता है 8.5 इंच, लंबाई है 13.5 इंच, गला फ्रंट साइड का 5.5 इंच, बैक साइड का 8 इंच, शोल्डर है हमारा 11 इंच, बाजू की लंबाई है 5 इंच और बॉटम है इसका 12 इंच, इसका हाफ लिया है हमने 6 इंच। अभी यहाँ पर हमें थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखनी है। अभी यहाँ पर हमें पहले लंबाई लेनी है, लंबाई है हमारी 13.5 इंच, तो हम 14.5 इंच लेते हैं। यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हमने 14.5 इंच लंबाई ली है। यहाँ पे हमें चेस्ट का 1/4 लेना है, चेस्ट का 1/4 लेंगे हम 8.5 इंच, इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो पेपर है उसे हमें कट करना है। इस तरह से हमें इसको कट करना है और यहाँ पे हमें जैसे ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, तो लंबाई ली हमने 14.5 इंच और चौड़ाई ली हमने चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच। अब यहाँ पे हमें गले के लिए 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। शोल्डर है हमारा 11 इंच, उसका हाफ लेते हैं हम 5.5 इंच। चेस्ट का 1/4 निकलता है हमारा 8.5 इंच, इसके आगे हमने 1.5 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी यहाँ पर हमें आर्म होल लेना है, आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच, हम 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। यह हमने फ्रंट साइड कट करनी है, तो हम फ्रंट साइड के लिए ही पेपर लिया है। यहाँ पे हमें फ्रंट साइड जो है, फ्रंट साइड का नेक है हमारा 5.5 इंच, तो हम यहाँ पे हम 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमें इस तरह से इसको राउंड शेप देना है। अभी ये जो है ये फ्रंट साइड है, इसलिए हमें 1 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देते हैं इस तरह से, हमें ये आर्म होल की गोलाई देनी है। अभी यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और दूसरे साइड में हमें 2.5 इंच लेना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये जो क्रॉस पट्टी है इसे हमें इस तरह से लेना है यहाँ पे। हमें थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज कट कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे हमें शोल्डर का सेंटर निकालना है। हम शोल्डर का सेंटर निकालते हैं, तो यहाँ पे हमने शोल्डर का सेंटर लिया है। सेंटर के बिल्कुल सामने यहाँ पे हमें एक मार्किंग करनी है, क्रॉस पट्टी पर एक मार्किंग करेंगे। अब क्रॉस पट्टी के एक मार्किंग करने पे करने के बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच सीधा लेते हैं इस तरह से, और इस साइड में 1/4 इंच लेंगे और दूसरे साइड में 1/4 इंच लेंगे, और यहाँ पे हमें इस तरह से इसको ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जो सीधा 2.5 इंच लिया है, ये सीधा 2.5 इंच हमें इसे आर्म होल में ज्वाइन करना है इस तरह से, हमें ये आर्म होल में इसको ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमारी फ्रंट साइड कट कर रहे हैं, बैक साइड जो है बैक साइड का भी ऐसे ही करना है। जितनी हमने लंबाई ली है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच हमारी लंबाई लेनी है। 2.5 इंच पे गले का मार्किंग करना है, 5.5 इंच पे शोल्डर का मार्किंग करना है, और ये जो आर्म होल लिया है हमने, आर्म होल जो है ये हमें 5.5 इंच पे लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो आर्म होल की गोलाई है वो जैसे ये 1 इंच पे दी है, तो वो 1.5 इंच पे देनी है। गला जो है बैक साइड का, जैसे 8 इंच हो या 9 इंच हो, तो आपको गले की मार्किंग करके गले का जो गले की लेंथ लेके गले की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से आप बैक साइड कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये क्रॉस पट्टी जो है इसे कट करना है। यहाँ पे हमें इस तरह से इसको गले के लिए राउंड शेप देना है यहाँ पे भी हमें। इस तरह से इसको कट करना है। यहाँ पे हमने ये फ्रंट साइड जो है इस तरह से आपको कट करके दिखाई है।
अब ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट को हमें दूसरे पेपर पर बढ़ाने हैं। तो इससे पहले हम दूसरे पेपर पर कैसे बढ़ाते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पेपर जो है इस तरह से रखना है। तो अब जैसे यहाँ पे हमने 1/4 इंच बढ़ाया था, यहाँ पे हमने 1/4 इंच बढ़ाया था, तो इसके अपोजिट साइड से हमें 1/4 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें 1/4 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें ये 1/4 इंच पे एक मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इस तरह से इसको क्रॉस में रखना है। यहाँ पे हमें इसको क्रॉस में रखना है। ये नीचे के साइड में ही हमने 1/4 इंच बढ़ाया है और यहाँ पे हमें इस तरह से इसको ये जैसा है वैसे ही हम निकालते हैं। इस तरह से अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जैसा हमने मार्किंग किया है उसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने ये पार्ट जो है वो कट किया है। अब दूसरा जो पार्ट है हम इसी तरह से कट करेंगे। अभी यहाँ पे भी हमें जैसे इस साइड में हमने 1/4 इंच बढ़ाया था तो इस साइड से 1/4 इंच बढ़ाते हैं। जैसे इसको अपोजिट साइड लेनी है, यहाँ पे हम सीधा लेते हैं और सीधे लाइन पे हमें 1/4 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1/4 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इसको क्रॉस में रखना है इस तरह से, और यहाँ पे हमने नीचे के साइड में ही बढ़ाया है तो यहाँ पे हमें इस तरह से इसको लेना है। यहाँ पे हमने इसको मार्किंग किया है। अब जो मार्किंग किया है इसे हमें कट करना है। इस तरह से हमने ये पार्ट जो है उसे भी हमने कट किया है। अभी यहाँ पे हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। अभी यहाँ पे हमें ये जो आर्महोल है, आर्महोल में हमें क्रॉस में नापना है। सवा 7 इंच, तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच लेना है। यहाँ पे हमें 7.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। स्लीव्स की लंबाई हमारी 5 इंच, इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है। ये जो है ये हमारा एक्स्ट्रा है। यहाँ पे हमारी ये फोल्ड पट्टी आएगी। हमें एक्स्ट्रा जो मार्किंग किया है इसका हम कट करेंगे। इस तरह से हमने इसको कट किया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है और इस साइड में भी हमें 1 इंच लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे ये जो बाजू का शेप है वो देते हैं और दूसरा शेप जो है एक इंच में से निकाल के यहाँ पे हम ये बाजू का शेप देते हैं। बॉटम है हमारा 6 इंच, हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई मार्जिन के लिए। अभी यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमने ये कट किया है।
यहाँ पे हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। अभी यहाँ पे हमने ये जो है ये थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज हमने कट किया है। ये देखिए ये हमारी स्टिच यहाँ पे आए गए, ये हमारी क्रॉस पट्टी और यहाँ पे हमारी ये स्लीव्स है। तो ये मैंने आपको चौथी चेस्ट का थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मैंने आपको ये कटिंग करके दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।